मध्य प्रदेश में सीधी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें वो भाजपा उम्मीदवार और वर्तमान सांसद रीति पाठक को माल बता रहे हैं। अपने चुनाव प्रचार में नुक्कड़ सभा करने पहुंचे अजय सिंह अपने भाषण में रीति पाठक को निशाने पर लेते हुए कहते हैं कि रीति पाठक पिछले चुनाव में आई रही, उनका भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला, हवा बहत रही मोदी की, सब जाने 15 लाख के चक्कर में बह गए, बन गई सांसद। उन्होंने कहा कि सांसद बनने के बाद अपनों के बीच में लौट कर नहीं आई और आगे आएंगे भी नहीं, और ना ही अपने सांसद निधि से कोई काम करवाया, तो भैया उनका तो अजमा चुके हैं, वो माल ठीक नहीं है। अब हम आए हैं, दाऊ साहब सेवा किए हैं कि नहीं। वायरल वीडियो में अजय सिंह सीधी संसदीय क्षेत्र से अपने पिता अर्जुन सिंह के किए कामों पर लोगों से वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे तो उबे न लौट के आई, न सांसद मत से कौनो चीज अपना के या गांव या बड़ौर में कही दी। तो भैया उनका तो अजमा चुके हुआ ठीक माल नहीं बा, हम आवान हैं, दाऊ साहब और सेवा की नहीं कि नहीं भाई को मिला हो या ना मिला हो, लेकिन सीधी संसदीय क्षेत्र में उनका सेवा है कि नहीं है। वहीं अजय सिंह के इस बयान पर भाजपा उम्मीदवार रीति पाठक ने पलटवार करते हुए कहा है कि अजय सिंह बहन बेटियों की सम्मान करना नहीं जानते, इसलिए चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। मैं उसमें यही कहूंगी, जिसके जैसे संस्कार होते हैं उसकी वैसी बाड़ी होती है, उसके वैसे शब्द निकलते हैं। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने अपने परिवार से यही सीखा होगा कि एक महिला के लिए, एक बेटी के लिए, एक बहन के लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना। मुझे किसी ने बताया कि उन्होंने अपने भाषण में कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि शायद उनको अपने परिवार से ऐसे ही संस्कार मिले। सिंगरौली से ग्राउंड रिपोर्टर उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।